हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ जितेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल स्किल साइन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सऊदी में अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैसे पता कर सकते हैं। चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, आप बहुत ही आसानी से अपने एंड सर्विस बेनिफिट को पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें आप अपना ज्वाइनिंग डेट डालेंगे और अपने सर्विस का एंड डेट डालेंगे। उसके बाद आप कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद बेनिफिट शो होने लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आपको पता चल जाए। इसके लिए फ्रेंड हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देंगे। यहाँ पर सर्च बार में क्यूआर लिखकर सर्च करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। फ्रेंड, आप यहाँ पर क्यूआर होम पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, आप यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन करने से पहले आपको क्यूआर एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होता है। आप क्यूआर एप्लीकेशन में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, यह जानना चाहते हैं तो मैं क्यूआर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर साइन इन पर क्लिक करूंगा। फ्रेंड, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पर अपने एकामा नंबर को इंटर कर देंगे और यहाँ पर पासवर्ड को इंटर कर देंगे। एकामा नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका नाम शो होगा। आप यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपका नाम शो होगा, आईडी नंबर शो होगा। आप नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेटर। आप अपने एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट देखना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट टाइप दिया हुआ है, लिमिटेड अनलिमिटेड। इसमें से आप एक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का क्या रीज़न है, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप किस रीज़न से कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर रहे हैं, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड समाप्त हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सपायरेट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कंपनी टर्मिनेट कर रही है तो टर्मिनेट आप कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। मंथली सैलरी में अपना सैलरी को इंटर कर देंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर 1600 इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपने ज्वाइनिंग डेट को इंटर करेंगे। इसको आगे पीछे करके ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2011 ईयर को सिलेक्ट किया है। इसको आगे पीछे करके मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर एंड ऑफ लास्ट कॉन्ट्रैक्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे। मंथली सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, एंड ऑफ लास्ट कॉन्ट्रैक्ट डेट फिल करने के बाद फ्रेंड आप यहां पर कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। कैलकुलेट पर क्लिक करते ही आपका यहां पर एंड सर्विस बेनिफिट शो होगा। आप यहां पर देख सकते हैं 1600 सैलरी, 12 ईयर, 0 मंथ, 1 डे का एंड बेनिफिट 15204 रियाल आया है। इस तरह आप एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट दे सकते हैं। कम से कम इतना पैसा है आप कंपनी से ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।
तथा आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय।